चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर से सजी हुई बॉलीवुड फिल्म पद्मावत थिएटर में आखिरकार रिलीज हो ही गई। फिल्म को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर के काम को लोग बेहद ज्यादा सराह भी रहे हैं। विवादों में रहने की वजह से यह फिल्म काफी लेट रिलीज हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी या नहीं। शुरुआत में तो फिल्म का प्रदर्शन बढ़िया रहा, अब फिल्म की कमाई में गिरावट आ चुकी है। आपको बता दें कि मंगलवार को देश भर में यह 14 करोड़ ही कमा पाया है, जो कि फिल्म के लिए बहुत कम है। फिल्म की यदि टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने मात्र 140 करोड़ का ही कमाई किया है। यह जानकारी तरुण आदर्श ने ट्वीट करके जानकारी दिया है। वीकेंड में फिल्म का कलेक्शन अच्छा रहा, पर वीकेंड के बाद फिल्म में लोगों को देखने की दिलचस्पी घट गई है। फिल्म शुक्रवार को करीब 19 करोड़ की कमाई की, वहीं शनिवार को 27 करोड़, रविवार को 31 करोड़ और सोमवार को 15 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वहीं मंगलवार को 14 करोड़ और बुधवार को करीब 12 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाया है। अब देखना यह हुआ कि 250 करोड़ में बनाई गई फिल्म को कितना घाटा होता है संजय लीला भंसाली को। पद्मावत चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कहानी है, जो अपने आप महिला प्रजा की लाज बचाने के लिए हजारों लोगों के साथ जौहर कर लेती है। फिल्म में रानी पद्मावती का किरदार दीपिका पादुकोण निभा रही है। वहीं उग्र सुल्तान खिलजी के किरदार में रणवीर सिंह है और महा रावल रतन सिंह की भूमिका में शाहिद कपूर नजर आ रहे हैं।